स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। बात करने वाले हैं यहाँ पर BTT टोकन के बारे में, बिट टॉरेंट टोकन के बारे में। काफी हमारे फैमिली मेंबर्स ने ये टोकन यहाँ पर होल्ड करके रखा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर यहाँ पर वीडियो पहले नहीं करी है क्रिएट, लेकिन अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर होने वाली है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपना रिव्यू आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि मेरा क्या रिव्यू है BTT के ऊपर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पर बहुत क्वायरी है। दूसरी बात, BTT टोकन जो है वो Web3 का पार्ट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही ये पार्ट बना था तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बूम मिला था, काफ़ी लोग इसमें पुराने फंसे हुए हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे ये टोकन आएगा, हम इसमें क्या प्रॉफिट में आएंगे, या हम अपना उतना भी फंड यहाँ से निकाल सकते हैं जितना हमने यहाँ पर इन्वेस्ट करा था। तो इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ अब कि मेरा नाम शुभ्रांत है, ये एक टेक्निकल चैनल है। इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम आप देखेंगे तो क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी के नाम से यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर जाके आप मुझे ज्वाइन करेंगे। इसी ग्रुप में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आपके लिए मैंने एक नया ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करा है, जहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो शुभ्रांत चौधरी GD ग्रुप, यानी कि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप, ये हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर जाके अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अभी अभी आपके साथ यहाँ पर कॉल पोस्ट करी है, तो सबसे पहले आपको इस वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से सीधा इस वाले ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सीधा BTT के बारे में कि BTT हमें क्या दिखा रहा है। तो आपके चार्ट में, आपके सामने मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ BTT का, ठीक है। अपने रिव्यू में बाद में बता दूंगा, तो रिव्यू के लिए आखिरी तक वीडियो को देख लेना। तो फिलहाल की बात करें तो 0.3340 करीब करीब यहाँ पर BTT का प्राइस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे इसकी एक न्यूज़ आई थी कि ये आपका पार्ट बन चुका है Web3 का, तो आप यहाँ पर देखोगे तो लगातार बहुत अच्छा हमें यहाँ पर बूम देखने के लिए प्राइस में मिला था। लगभग 0.24 से लेके लगभग 4 वन तक ये चले गया था। बात करें तो यहाँ पर तो एक अच्छा खासा मूव था जो कि 73% का यहाँ पर गेन देखने के मिला था। अभी बात करें BTT की, तो ये एक यहाँ पर एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। आप देखोगे कि डिसेंडिंग चैनल है, ये डिसेंडिंग चैनल होता है आपका बुलिश, लेकिन कब होगा ये आपका बुलिश, जब आपका ये लगभग 4178 का ये जो आप लाइन देख पा रहे हो इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये आपकी साइड यहाँ पर चला जाए, ठीक है। लेकिन मैं अपने यहाँ पर व्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या ये टोकन ऐसा जाएगा या ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको अपने रिव्यू भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल टेक्निकली देखें तो एक चैनल पैटर्न में है, अगर ये ब्रेकआउट करता है 0.0041 का लेवल तो ये आपको ईजिली 50 तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके अगर ही अगर ये यहाँ पर आप देखें, उसके बाद अगर यहाँ पर आप अभी सपोर्ट देखें तो हमारा 3.1 से लेके 2.9 का ये वाला हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। ये जो आप जोन देख पा रहे हो ये पूरा जोन आपका यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल है, जहाँ पर कि प्राइस अभी यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला सपोर्ट यहाँ पर होल्ड नहीं करता तो मैंने एक एंट्री आपके लिए निकाली हुई है BTT में, जहाँ पर कि अगर आप फ्रेश बायर बनना चाहते हो तो BTT को आप फ्रेश बाइंग वहाँ पर बना सकते हो। वो जोन कौन सा होगा? वो जोन होगा आपका 0.26 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस आता है BTT का तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप BTT को बहुत बड़ी क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो मार्केट में पुराने हैं वो BTT को जानते हैं। BTT मार्केट में, मैं आपको बताऊं तो एक शिट कॉइन के नाम से कहलाया जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें रिस्क लेके एक ट्रेड बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वेट करें कम से कम 0.0025 के लेवल तक आने का। यहाँ पर आप एंट्री लेते हो तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर आप एक प्रॉफिट क्रिएट कर पाओ। ये मेरा पर्सनल लेवल है कि जहाँ पर मैं अपनी एक ट्रेड सोच रहा हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर आता है, आई डोंट नो कि यहाँ पर प्राइस आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर देगा, लेकिन अगर आता है तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री BTT में होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए। आई विल नॉट सजेस्ट कि आपने टॉप पर ये कॉइन रख लिया, बिल्कुल मत रखना, ठीक है। पोर्टफोलियो का 1% और 1% से भी कम अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जो यहाँ पर होल्डर हैं उनके लिए, उनको क्या देखना है? उनको देखना ये है कि आपका जो BTT है वो 0.0030 का जो लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। होल्ड कर पाता है तो अगेन टेस्ट करने जाए वो 4.1 का लेवल, ठीक है। और अगर ये वाला 0.0030 का लेवल टूट जाता है तो आपको एंट्री 0.0025 के पास आप अपनी एक रीबाइंग बना सकते हो, एक आप DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो। इससे दो फायदे होंगे,
दो फायदे ये होंगे कि जैसे यहाँ पर आपका पॉजिटिव बढ़ने लग जाएगा बीटीटी, तो आपका जो पोर्टफोलियो है अगर आपकी ऊपर की एंट्री भी है तो नीचे मिड में आ जाएगी, और आप एक या तो हो सकता है कि आप लॉस लेके ना निकलें, या हो सकता है कि आप बहुत ही छोटा से यहाँ से लॉस लेके निकलें, ठीक है। बाकी मैं जैसे मार्केट को देखता हूँ, जैसे मैं कॉइन को देखने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है। देखो बीटीटी जो है वो अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ यहाँ पर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखोगे जहाँ से इसने पहली बार यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट करा था, ये वो जोन था जो कि बीटीटी को एक ना एक बार यहाँ पर टच करना था, क्योंकि ये आपका एक वीक लेग था। बीटीटी ने यहाँ पर टच करा, उसके बाद दोबारा से प्राइस यहीं पर आया, फिर यहाँ से आपका बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। अगर प्राइस अगर दूसरी बार या तीसरी बार, इवन यहाँ पर अब तीसरी बार आएगा, तो 0.0025 का जो लेवल है इसके पास अगर तीसरी बार आता है, तो यहाँ से आप अगर चाहो तो बाइंग बना के यहाँ पर रख सकते हो। अब बात करें यहाँ पर लिक्विडिटी की, जो कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे लिक्विडिटी की बात करें तो लगभग अभी यहाँ तक की लिक्विडिटी है, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो अभी यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो पाई है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर साफ सीधा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो एक बार कंज्यूम हो चुकी है, तो अगर प्राइस यहाँ पर दोबारा से नीचे आता है तो इस वाले लेवल को बहुत ईजिली यहाँ पर 4.1 के लेवल को तोड़ के बहुत ईजिली ये 5.0 के लेवल को यहाँ पर टच कर सकता है। तो ये सिर्फ एक एडवांस टीए के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये आपकी कुछ मूवमेंट हो सकती है बीटीटी में। एंट्री का बनानी है, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो इस जोन में एंट्री बनाएं, ठीक है, और एग्जिट का अपना 0.50 तक एग्जिट रख लें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऊपर फंसे हुए हो तो यहाँ पर अपना रीबाइंग बना के अपना थोड़ा सा लॉस लेके आप निकल सकते हो, ताकि अगर ये मार्केट में और नीचे कॉइन गिर जाए तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सफर ना करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी मेरी तरफ से। बाकी अगर आप फोकस करना चाहते हो तो इस चैनल पर फोकस करो कि इस चैनल में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मेरी जोन ये है जो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखूंगा कि प्राइस कैसे एक्ट करेगा। अच्छा एक्ट करेगा तो भाई मैं यहाँ से दोबारा से जाऊंगा, लेकिन अदरवाइज एक अच्छा एक्ट नहीं करता, दोबारा से प्राइस ऐसे ही करता तो मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाऊंगा फिर, एज सिंपल, ठीक है। अब मेरे क्या रिव्यू है, मेरे रिव्यू ये है कि अगर आपको ट्रेड करना है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पर बीटीटी टोकन में ट्रेड करें। देखो बीटीटी टोकन में अगर आप नए हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो बीटीटी है, तो मैं आपको बता दूं कि आप, मैं बिगर जाने आपको कह सकता हूं कि आप मार्केट में नए हो। क्यों? क्योंकि न्यू बीज जो होते हैं मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में नए जो आते हैं वो यहाँ पर बीटीटी को बाय करते हैं, जो आपके पुराने हैं वो बीटीटी को यहाँ पर बाय डेफिनेटली नहीं करते। तो आप क्या सीख सकते हो, डेफिनेटली आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कोई टॉन्ट वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीटीटी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो, ठीक है, और एक अच्छी जगह अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। बीटीटी कॉइन, सिया कॉइन, अगेन विंग कॉइन, इन कॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट मत रखो, ठीक है। अच्छे कॉइन है, सोल कॉइन है, बीएनबी कॉइन है, इन कॉइन में जाओ, वो ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट आपको देने वाले हैं। तो बीटीटी के से जैसे आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आए तो अपना पोर्टफोलियो निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट आप कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप बीटीटी होल्डर हो, अगर आपको किसी भी बात यहाँ पर बुरा लगता है तो टेक इट ऐसा पॉजिटिव सजेशन, ठीक है, उसको आप नेगेटिव की तरह ना लें। धन्यवाद।